कम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान, एक रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस ने भी अब आप 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी की जो 6 विधानसभा लोकसभा सीटें हैं बिहार में, 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 3 पर उम्मीदवार के नाम का पहले ही ऐलान हो गया, 6 बाकी हैं जिसमें से 5 पर ऐलान हो गया है, 1 पटना साहिब की सीट बाकी है। सबसे दिलचस्प मामला समस्तीपुर लोकसभा सीट पर है, जहां नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया एनडीए के उम्मीदवार हैं। चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर साम्भवी चौधरी, जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। नीतीश कुमार के दूसरे मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके बेटे सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो यहां नीतीश कुमार के 2 करीबी मंत्रियों के बीच मुकाबला है समस्तीपुर में। आज चिराग पासवान ने नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है पासवान को तोड़ने में, हमारे परिवार को तोड़ने में महेश्वर हजारी की भूमिका रही है, निशाना साधा है। क्या कहा है चिराग पासवान ने, इसको जरा सुनिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि सभी के इनकम का हम सर्वे करवाएंगे, अब कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने इस तरीके का कोई घोषणा पत्र में नहीं डाला, खबरदार है तो कह रहे माँ बहनों का सोना चांदी हम बेच रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान, एक रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के जमाने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे, वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुँचने ही नहीं, भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हो, वो लाभार्थी हो, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना, तो आज की तारीख में कांग्रेस ये सोच भी नहीं पाती। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अपना दूल्हा भाई बताया है, विवादित बयान दिया है। भाई बोलते रहे जो उनको बोलना, उनकी आपस की बात है। सन्नी हजारी भाई, देखिए ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको, इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की, 2009 का उदाहरण हम लोगों के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में हैं, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति, जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा।